नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आरएमसी जून 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज का वीडियो टोटली नोटिफिकेशन के ऊपर होगा। सारे इन्फॉर्मेशन, एज ब्रैकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, लास्ट डेट क्या होने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मेरा नाम है सूरज आर्य, आई एम द एकेडमिक हेड ऑफ डिफेंस ऑफिसर्स एकेडमी। लेट्स गेट स्टार्टेड। वैसे तो नोटिफिकेशन कम ही आ गया था और कल एक शॉर्ट भी मैंने अपलोड किया था बच्चों के लिए, उसमें भी काफ़ी अच्छे व्यूज़ बच्चों के आए हैं। और बच्चों से मैंने वादा किया था कि एक डिटेल वीडियो जरूर लेकर आऊँगा, और वैसे भी मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले में बना लिया था, क्योंकि हमें मालूम होता है कि एक्सपेक्टेड क्या डेट्स होंगी, लास्ट डेट क्या होंगी और क्या एज ब्रैकेट होगा। तो उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो मैंने पहले में बनाया था, वो भी लोगों ने काफ़ी पसंद किया, उसमें भी अराउंड 1.5 के व्यूज़ हैं। तो आइए बात करते हैं कि आप किस तरीके से आरएमसी का नोटिफिकेशन देखेंगे, फिर आगे क्या प्रक्रिया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखिए, सबसे पहले आपने कुछ नहीं करना, गूगल में आप सिर्फ आरएमसी टाइप करेंगे। जैसे आप आरएमसी टाइप करेंगे गूगल में, ठीक है, आरएमसी टाइप करके आप जैसे सर्च करेंगे तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, rimc.gov.in। आप इस ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा आरएमसी का। ओके, ये आरएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो रिसेंट अपडेट्स में भी देख लेते हैं, देख सकते हैं आप ये सारी चीज़ें। प्लस थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एडवर्टीजमेंट में साफ साफ दिया ये, ठीक है, 20th February 2024, मतलब कल की डेट में नोटिफिकेशन आया है। ठीक है, कल जब शॉर्ट अपलोड किया था रात को तब नोटिफिकेशन आया था। तो इस नोटिफिकेशन को आप जैसे क्लिक करोगे, इसमें लिखा रहा है नोटिफिकेशन फॉर आरएमसी एंट्रेंस एग्जामिनेशन जून 2024। जैसे आप क्लिक करोगे इस नोटिफिकेशन के ऊपर, एक पीडीएफ ओपन हो जाएगी। ओके, और इसी पीडीएफ को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, इसमें सारे डिटेल्स है, सब कुछ दिया है। ओके, सारे एज ब्रैकेट्स, उसके अलावा क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए आरएमसी के फॉर्म को भरने के लिए, कब एग्ज़ाम होगा, क्या लास्ट डेट है, वो सारे डिटेल्स इसमें दिए थे, आएंगे इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। सो दिस इज द नोटिफिकेशन, ये वो नोटिफिकेशन है आरएमसी का। ओके, दिस इज द नोटिफिकेशन। ओके, इसमें 19th February लिखा है, 19th February को मेरे ख्याल से वहाँ से रिलीज हुआ होगा, लेकिन वेबसाइट में 20th February को ये अपलोड हुआ है। ठीक है, सो दिस इज द नोटिफिकेशन। इसका सब्जेक्ट क्या है, इसका सब्जेक्ट है क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स टू आरएमसी दरअसल फॉर जनवरी 2025 टर्म। तो पहले तो बच्चों को ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ये जो जून वाला एग्जाम होगा उसका जो टर्म स्टार्ट होगा वो जनवरी 2025 में होगा। ठीक है, तो जनवरी 2025 के अकॉर्डिंगली बच्चों की एज देखी जाती है। ये पेरेंट्स को भी बड़ा कन्फ्यूजन रहता है, वो एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म बच्चों की एज देखते हैं, उनको लगता है कि बच्चा हमारा एलिजिबल है, लेकिन बच्चे की एज देखनी पड़ती है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या दिया है, ठीक है, हम लोग आई विल नॉट गो इनटू डिटेल, ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट दी है। देखिए, सबसे पहले इसमें साफ साफ दिया है कि क्लास 8th में एडमिशन होता है आरएमसी में, बॉयज़ एंड गर्ल्स बोथ आर एलिजिबल। ठीक है, जनवरी 2025 वाला टर्म है जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है, और जो एग्जाम होने वाला है, जो हमारे देश में एग्जाम होगा आरएमसी का, वो होगा 1st June 2024 सैटरडे है, उस दिन शनिवार। ठीक है, आरएमसी ये देखता है कि सर्वे कब बैठता है ताकि दूसरे दिन बच्चों को संडे मिल जाए, एक दिन का रेस्ट मिल जाए। पहले क्या करता था, पहले 2 दिन ये पेपर होता था। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में मैथ्स और इंग्लिश होता था और सेकेंड स्टेज में जीके का पेपर हुआ करता था, लेकिन अब क्या है कि एक ही दिन सारे पेपर्स हो जाते हैं, तीनों पेपर एक दिन हो जाते हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर आपको जो बच्चे नए हैं जिनको नहीं मालूम, ठीक है, ये फॉलोइंग सब्जेक्ट्स है। इंग्लिश का रिटर्न पेपर होता है 125 मार्क्स का आता है, मैथ्स का रिटर्न पेपर 200 मार्क्स का आता है, और जीके का पेपर 75 मार्क्स का आता है। ठीक है, ये तीन पेपर एक ही दिन आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने रिटर्न क्वालिफाई कर लिया, मतलब 50% मार्क्स अगर आपके हर एक सब्जेक्ट में आ गए, सो देन आपको वायदा या इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा और फिर आप इंटरव्यू करेंगे, एंड इंटरव्यू इज ऑफ अगेन 50 मार्क्स, 50 नंबर इंटरव्यू का है। साफ साफ लिखा भी इसमें, ओनली फॉर कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द रिटर्न एग्जाम। तो ये इंटरव्यू उन बच्चों का होगा जो रिटर्न क्वालिफाई करेंगे, 50% मार्क्स चाहिए होते हैं रिटर्न को क्वालिफाई करने के लिए इन ईच सब्जेक्ट, हर एक सब्जेक्ट में 50% मार्क्स पास होने के लिए। ओवरऑल बात करें अगर हम रिटर्न और इंटरव्यू को जुड़ाकर, तो 450 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, 400 मार्क्स का रिटर्न, 50 मार्क्स का इंटरव्यू। ठीक है, ये सारे डिटेल्स में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमेशा की तरह नए नोटिफिकेशन में हम ये मानते हैं कि बहुत सारे नए बच्चे भी होंगे जो फर्स्ट टाइम आरएमसी के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। वैसे जून महीने के लिए तो नए बच्चे होते नहीं है, कहीं ना कहीं दिसंबर में पहला अटैम्प्ट होता है बच्चों का, जब बच्चे 6th में होता है और वो भी दिसंबर में, तो वो उनका पहला अटैम्प्ट होता है।
लेकिन कुछ बच्चों के डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से होते हैं कि उनका जून भी पहला अटेम्प्ट आता है, तो उन बच्चों के लिए मैं सारी डिटेल में चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, अब नीचे आते हैं और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर पेरेंट्स का जो कन्फ्यूजन है, जो पेरेंट्स को डाउट है, आई थिंक वो यहाँ पर क्लियर होने वाला है। देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन में साफ साफ दिया है कि बच्चा क्लास सेवन्थ में होना चाहिए ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन। 1 जनवरी 2025 में एडमिशन होगा तो इस वक्त बच्चा सेवन्थ में होना चाहिए। फर्ज करो, सोचो कि अगर बच्चा अभी सिक्स में है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा अभी सिक्स में है, अगर अभी बच्चा सिक्स में है, जून का एग्जाम देता है, उस वक्त भी ये सिक्स में होगा, तो क्या वो अगले साल जनवरी में सेवन्थ में जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो जो बच्चा अभी सिक्स में है इस जून वाले अटेम्प्ट के लिए, बेसिकली उनके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से वो एलिजिबल नहीं है, वो इस बार का जून वाला अटेम्प्ट नहीं दे सकते जो बच्चे सिक्स में है, चाहे वो एज वाइज एलिजिबल क्यों ना हो, लेकिन एजुकेशन वाइज एलिजिबल नहीं है। एजुकेशन वाइज कौन एलिजिबल है? जो बच्चे ऑलरेडी अभी किस में है, सेवन्थ में, जो बच्चे अभी सेवन्थ में जाएंगे, ठीक है, वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। जो बच्चे सिक्स में जाएंगे, जो बच्चे अभी वैसे तो अभी एग्जाम चल रहे हैं, जो बच्चे अभी सिक्स में जाएंगे, जून वाला अटेम्प्ट उनके लिए नहीं है। तभी मैंने कहा था सिक्स का दिसंबर पहला अटेम्प्ट होता है, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन बच्चा सेवन्थ में होना चाहिए, ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन का आता है RMC। क्लास सेवन्थ या क्लास सेवन्थ तो मिनिमम है, या क्लास सेवन से ऊपर। एज देखिए, एज में आप लोगों को ना ज़्यादा टेक्निकलिटी देखने की जरूरत नहीं है, जो भी एज का ब्रैकेट दिया है ना, आप उसमें देखें कि आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ आ रही है नहीं आ रही। 11.5 से 13 कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं कि बच्चा हमारा कितना है। अगेन साफ साफ लिखा था यहाँ पर एज एन 1 जनवरी, मैंने कहा था ना ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन देखी जाती है एज कि बच्चा 11.5 से 13 के बीच में है या नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए ना, इस ब्रैकेट को देखिए, आप देखिए कि आपके बच्चे की एज 2 जनवरी 2012 और 1 जुलाई 2013 के बीच में वो इंक्लूडिंग बोथ द डेट्स आ रही है नहीं आ रही। अगर आ रही है तो आपका बच्चा एलिजिबल है, प्रोवाइडेड कि उसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी मीट कर रही है, तो बच्चा फिर एलिजिबल है, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही नहीं है तो आपको यहाँ देखने की जरूरत नहीं, फिर मेरे ख्याल से बच्चे का जो नेक्स्ट अटेम्प्ट आएगा दिसंबर वाला, वो होने वाला है। ओके, बढ़ते हैं आगे। आई होप कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज का फंडा पेरेंट्स का क्लियर हो गया होगा। अब स्केड्यूल देखने क्या होता है एग्जाम का, जो बच्चे नए हैं मैं उनको बताना चाहता हूँ, बाकी बच्चे फेमिलियर है। मैथ्स का पेपर है, ठीक है, मैथ्स का पेपर होता है 1.5 घंटे का। सबसे पहले मैथ्स का पेपर होता है सुबह 9:30 से 11। ये 24 आवर्स फॉर्मेट टाइम ना मुझे बड़ा पसंद है, आर्मी में भी इसी को फॉलो किया जाता है, AM PM का कोई लफा नहीं, ठीक है। अगर मैं उनको लेफ्ट रिपोर्ट एट 600 आवर्स मतलब सुबह के 6, अगर मैं उनको लेफ्ट रिपोर्ट एट 1800 आवर्स मतलब शाम के 6, कोई AM PM लगाना नहीं है। तो उसी तरीके की टाइमिंग्स भी आपको दिए यहाँ पर, 9:30 to 11:00 आवर्स में कोई AM नहीं लगा, समझ में आता है कि सुबह 9:30 से 11 बजे सबसे पहले किसका पेपर, मैथ्स का। साफ साफ लिखा रहा है कैंडिडेट में आंसर इन हिंदी और इंग्लिश। ओके, कौन से पेपर की बात हो रही है, मैथमेटिक्स की। अब मैथमेटिक्स में हिंदी का क्या रोल है, वो तो हिंदी मीडियम मैंने बच्चे में जाने, मुझे नहीं लगता कि कुछ सच रोल है उसमें हिंदी का। GK का पेपर, फिर आपको 1 घंटे का ब्रेक मिलेगा, GK का पेपर 1 घंटे का 12:00 से 1, 1200 आवर्स दे रखा है तो दिन में 12:00 से 1 पेपर होगा GK का। फिर इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश का पेपर तो इट्स टोटली इंग्लिश ओनली। ओके, वो होता है 2:30 से 4:30, 2 घंटे का पेपर है इंग्लिश का। हाँ, बीच में ब्रेक जरूर मिल रहा है आपको, 1 से 2.5 डेढ़ घंटे का ब्रेक मिल रहा है आपको, ठीक है। तो ये स्टडी ने इस तरीके से बच्चे का पेपर होता है एक दिन में, ठीक है। आते हैं नीचे, और क्या क्या चीज़ें दी हैं इंपॉर्टेंट उसके बारे में बात करेंगे। ये रिटर्न एग्जाम के बाद फिर आपको इंटरव्यू के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिए, वाई बाय वर्स क्या है ये। ये बेसिकली आपको बताया गया है कि इंटरव्यू उन बच्चों का होगा जो बेसिकली रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है। ओके, और बेसिकली आपको इस चीज़ के बारे में डेट जो भी होगी इंटरव्यू की, उसके बारे में आपको इंटीमेट किया जाएगा, ठीक है, बाद में रिटर्न के बाद। सो यू शुड नॉट वरी अबाउट इट। मेल आप लोग डालते हो, आपके मेल्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, शुड नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट क्या है, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। ये भी 6th पॉइंट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वो मैं बार बार हर नोटिफिकेशन में बताता हूँ पेरेंट्स को। बेसिकली जिन बच्चों के पेरेंट्स सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और अपने डोमिसाइल वाले स्टेट से, मतलब जो अपने स्टेट से अगर बच्चे कहीं पेरेंट्स बाहर पोस्टेड है, फॉर एग्जाम्पल मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरे फादर सपोज अंडमान और निकोबार पोस्टेड है, तो और मेरे फादर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उनके पास 2 ऑप्शन हैं। या तो मुझे वो अंडमान निकोबार से पेपर दिलवा सकते हैं, मैं सिर्फ रिटर्न एग्जाम की बात कर रहा हूँ, या तो मुझे जहाँ मेरा डोमिसाइल स्टेटस है उत्तर प्रदेश से हूँ तो या तो मुझे उत्तर प्रदेश से पेपर दिलवा सकते हैं, बट सीट मैं फाइट करूंगा उत्तर प्रदेश से, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, मेरा डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का है।
हाँ लेकिन मैं एग्जाम अंडमान एंड निकोबार भी दे सकता हूँ क्योंकि मेरे फादर वहाँ पोस्टेड है, तो वही चीज यहाँ पर दी गई है। द वर्ड्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज कैन टेक देयर एग्जाम एंड इवन इंटरव्यू एट द प्लेस ऑफ पोस्टिंग ऑफ आइदर एम्प्लॉयर और डोमिसाइल स्टेट। ठीक है, तो आप जहाँ पर एम्प्लॉयड हैं जिस जगह में वहाँ पर भी आप एग्जाम और इंटरव्यू दे सकते हो, या जो आपका डोमिसाइल स्टेट है वहाँ पर भी आप एग्जाम और इंटरव्यू दे सकते हो। लेकिन जो आपका कैंडिडेचर है वो कहाँ से कंसिडर किया जाएगा, आपके डोमिसाइल स्टेट से। लेकिन सीट कहाँ से फाइट करोगे आप, जिस स्टेट के आप रहने वाले हो। ठीक है, इट इज देयरफॉर मैंडेटरी फॉर सच कैंडिडेट्स टू गेट द एप्लीकेशन डिपॉजिटेड इन द सेम स्टेट वेयर द एग्जाम हैज टू बी टेकन। अब क्या कन्फ्यूजन होता है पेरेंट्स को, ठीक है मेरा डोमिसाइल कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का, मैं रहने वाला कहाँ का हूँ, सॉरी मैं रहने वाले कहाँ का हूँ, उत्तर प्रदेश का, डोमिसाइल उत्तर प्रदेश का, लेकिन अभी मैं कहाँ पोस्टेड हूँ, अंडमान एंड निकोबार। तो मुझे अंडमान एंड निकोबार में अगर मुझे एग्जाम देना है तो मैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कहाँ पोस्ट करूंगा, अंडमान एंड निकोबार ही, उसको आपको उत्तर प्रदेश लखनऊ भेजने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी आपका एग्जाम, क्योंकि स्टेट अथॉरिटीज एग्जाम कंडक्ट करवाती है, वहीं आपका एप्लीकेशन फॉर्म जाना चाहिए। कुछ बच्चे आराम से भी भेज देते हैं गलती से। ठीक है, तो आप अभी मैं आपको डिस्कस करूंगा प्रोस्पेक्टस के लास्ट में, ऑलरेडी मैंने उस पर डिटेल वीडियो भी बनाई है। प्रोस्पेक्टस के एंड में सारे एग्जामिनेशन बेसिकली एड्रेस वो सेंटर्स दे रहते हैं स्टेट्स के जहाँ पर हमें एप्लीकेशन फॉर्म्स डालने होते हैं। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर 7 पॉइंट क्या है, रिजल्ट डिक्लेयर होगा आरएमसी की वेबसाइट में डिक्लेयर होगा, और ये कैंडिडेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपडेट लेते रहे, वेबसाइट को विजिट करते रहे, तो वो सारी चीज़ें इसमें दी है। ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन बाद में आपको भेजे जाएंगे मेल में एंड ऑल सारी चीज़ें, बाद का प्रोसेस है। अब आप कैसे एप्लीकेशन फॉर्म्स को ऑप्टेन करेंगे, ये अब मेन मुद्दा है, ये मेन सवाल है, काफ़ी फोन कॉल्स भी हमारे पास आ रहे हैं। देखिए इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा व्हाट इज द प्रोसीजर। देखिए सबसे पहले एक तो आप खुद से गाइडलाइन जाकर, देखिए पहले मैं आपको बता दूं, द प्रोस्पेक्टस कैन एप्लीकेशन फॉर्म एंड बुकलेट ऑफ ऑल ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज गाइडलाइन। आप प्रोस्पेक्टस कैन एप्लीकेशन फॉर्म को राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज से ले सकते हैं। कैसे लेंगे, एक तो ऑनलाइन पेमेंट का तरीका है। देखिए एक तो तरीका है कि आप डायरेक्टली जाए, जैसे हम लोग जाते हैं क्योंकि हम लोग उत्तराखंड में देहरादून में ही है, तो हम तो डायरेक्टली जाते हैं आराम से अप्रोच करते हैं और वहाँ से फॉर्म ले लेते हैं। लेकिन जो बच्चे अदर स्टेट्स के हैं, जो पेरेंट्स अदर स्टेट्स में हैं, वो क्या करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, आरएमसी के वेबसाइट में जाएंगे, वो दे रखा है इसमें साफ साफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, वहाँ पर जाकर ₹600 आपको डालना पड़ता है, अपना एड्रेस डालना पड़ता है और आपको फॉर्म बाय स्पीड पोस्ट पहुँच जाता है। लेकिन पेरेंट्स को खासकर इसमें प्रॉब्लम ये हो रही है कि एक तो कभी कभी पेरेंट्स बोलते हैं सर पेमेंट नहीं हो रहा प्रॉपरली, पेमेंट का गेट वे नहीं खुल रहा, या सर 1 महीना हो चुका है, 1.5 महीना हो चुका है, अभी तक हम पे फॉर्म पहुँचा नहीं, तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते। तो उसमें हम दूसरा ऑप्शन ही देते हैं कि आप हमसे संपर्क करें, हम आराम से फॉर्म आपके लिए लेंगे, हम आपको बाय पोस्ट भेजेंगे, उसमें ज़्यादा सिक्योरिटी है एज़ कम्पेयर टू आरएमसी। मैं इसलिए ऐसा बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले कुछ सालों का हमारा एक्सपीरियंस है, कभी कभी कुछ पेरेंट्स को तो एप्लीकेशन फॉर्म पहुँचा भी नहीं और आरएमसी फिर वो अकाउंटेबिलिटी लेता नहीं है, फिर आरएमसी कहता है कि आपने या तो एड्रेस गलत डाल दिया होगा या कुछ ना कुछ गलती होगी आपके एड्रेस में। सो इट्स बेटर कि आप क्या कर सकते हैं, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको एप्लीकेशन फॉर्म भेज सकते हैं, एंड इट शुड बी माई लास्ट रिजॉर्ट, वैसे तो यही सही तरीका है। लेकिन अगर इस तरीके इसमें आप रिलाई नहीं करते, क्योंकि देखिए हमें हमारे पास इतने कॉल्स आ रहे हैं पेरेंट्स के कि सर 1 से 1.5 महीना हो चुका है, हमने एप्लीकेशन फॉर्म मंगाया लेकिन हमको पहुँचा नहीं। ठीक है, तो बेसिकली फॉर अ सेफ साइड में बोल रहा हूँ, अगर हमने भी भेज दिया आपको फॉर्म और अगर आरएमसी ने भी भेज दिया, दोनों फॉर्म्स अगर आप तक पहुँच गए, तो एक फॉर्म आप वापस हमें कर दीजिएगा, क्योंकि हम तो बेसिकली आरएमसी के फॉर्म्स से आपको बताएंगे कि सालों साल चलते हैं। ठीक है, अभी कुछ रिसेंट अपडेट्स हुए हैं तो उसके बाद तो चले रहे, मुझे लगता है कि इस साल का फॉर्म नेक्स्ट ईयर चल जाएगा, और जैसे भी हमारे काफ़ी बच्चे रहते हैं तो हम कहीं ना कहीं इस फॉर्म को यूटिलाइज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, डिमांड ड्राफ्ट। ठीक है, आप डिमांड ड्राफ्ट से भी मंगा सकते हैं। ठीक है, डिमांड ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा, किसके फेवर में बनाओगे आप, द कमांडेंट आरएमसी फंड ड्राइव ब्रांच एचडीएफसी बैंक। तो जब मैंने अभी डिटेल्ड एक वीडियो आरएमसी के ऊपर बनाया था और वहाँ पर जब मैं प्रोसीजर समझा रहा था आपको, तो मैंने वहाँ पर ये जो ड्राइव ब्रांच है उसको मैंशन नहीं किया, क्योंकि आरएमसी का चेंज होता रहता है, पहले SBI बैंक था, अब HDFC बैंक हो गया। तो जो भी देखिए DD के थ्रू अगर आप मंगाते हैं, डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू मंगाते हैं, तो आपको फिर वेट करना पड़ेगा फर्दर नोटिफिकेशन, क्योंकि इसमें क्या स्पेसिफिक बैंक दिया है क्या, क्योंकि ये चेंज होता रहता है आरएमसी का, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो DD बनाओगे इसके नाम का, ₹600 फॉर जनरल कैटेगरी, ₹555 फॉर SC ST है, वो बनाना है आपने, और साथ ही साथ फिर अपने एड्रेस को प्रॉपरली टाइप करके कैपिटल लेटर्स में पिन कोड के साथ
आप अपने एड्रेस की स्लिप और साथ में ये डीडी आप भेजेंगे, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर वो आपको प्रॉस्पेक्टस का एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप खुद आराम से जाके फॉर्म लें या तो फिर आप हमसे मंगवा लें। ओके, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनली पेरेंट्स को खुद ये फॉर्म लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं कि सर हमने ऑनलाइन फॉर्म मंगवाया तो नहीं, लेकिन एक से ये महीना हो चुका है और अभी तक फॉर्म हमारे पास पहुंचा नहीं है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि फॉर द सेफ साइड आप चाहे तो हमसे भी मंगवा सकते हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो आप आरआईएमसी से इशू करते हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्म इशूड बाय आरआईएमसी ओनली शेल बी वैलिड, वही वैलिड होगा, उसके अलावा फोटो कॉपी नहीं चलेगी भैया। ऐसे नहीं कि आप आरआईएमसी का फॉर्म किसी की फोटो कॉपी आप भेज रहे हो, ठीक है, या तो उसमें होनोग्राम सील ही नहीं है बेसिकली, तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसा आरआईएमसी का कहना है। और कोई भी रिफंड नहीं होगा, एक बार अगर आपने एप्लीकेशन फ़ी दे दी तो फिर किसी भी सर्कमस्टेंसेज में किसी भी कंडीशन में रिफंड नहीं होगा, आपको पैसा वापस नहीं होगा, साफ साफ बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं ना। लेट्स टॉक अबाउट ऑल द डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स में भी थोड़ा सा पेरेंट्स हैरान परेशान रहते हैं, हमारे पास कॉल्स में आते हैं तो मैं पहले पेरेंट्स से भेजता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स आप पहले तैयार कर लीजिए, अभी काफ़ी समय है। अब तो वैसे नोटिफिकेशन आ चुका है, सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का होना जरूरी है, क्योंकि बर्थ सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी एंड इट शुड बी अटेस्टेड बाय गजेनेट ऑफिसर, वो हम भेजते हैं आरएमसी को, ठीक है। साथ ही साथ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट की भी फोटो कॉपी और साथ साथ अटेस्टेड होना चाहिए। ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट बहुत पेरेंट्स के पास नहीं होता, वो कहते हैं सर हमने अपने बच्चे का नहीं बनवाया। नहीं बनवाया तो प्लीज़ बनवा लीजिए, जो भी स्टेट अथॉरिटी में आपके जो भी बनाता है आप उनसे बनवा लीजिए। अगर आपके पास उसकी रिसीट भी होगी ना, तो वो भी अगर आप भेजेंगे अपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तो चल जाएगा, आरएमसी आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लेगा, और जब अगर सिलेक्शन होगा तो उस वक्त आप अपना डोमिसाइल फिर प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए, जो लोग एससी एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए। अगेन एससी एसटी सर्टिफिकेट ओरिजिनल नहीं, ओरिजिनल की फोटो कॉपी एंड शुड बी अटेस्टेड बाय ग्रेजुएट ऑफिसर। उसके अलावा फिर जो फोर्थ डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ द करेंट स्कूल, इसको हम बोलते हैं बोनाफाइड। ये बोनाफाइड बनता है जिस स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है बेसिकली, वहाँ पर लिखा रहता है टू होम सो एवर इट मे कंसर्न। बेसिकली उसमें क्या रहता है कि उसमें ये मेंशन होता है कि ये लड़का या लड़की सो एंड सो उसका नाम है, इस क्लास में पढ़ती है, हमारे स्कूल में पढ़ती है, और इसकी डेट ऑफ बर्थ ये है। वहाँ पर बच्चे की फोटोग्राफ भी लगी होगी, प्रिंसिपल के नीचे साइन होंगे, ठीक है, उसको बोनाफाइड कहते हैं। बेसिकली एक तरीके का ये बताने के लिए कि बच्चा जेन्युइन है, इस स्कूल में पढ़ता है, ठीक है। सो सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्कूल विच इज कॉल्ड बोनाफाइड, एक वो होना चाहिए। उसके अलावा कॉपी ऑफ आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड की फोटो कॉपी, लेकिन ध्यान रखना कि फोटो कॉपी का मतलब ये नहीं कि एक ही साइड, दोनों साइड आपको फोटो कॉपी करवाना है अच्छे से, अदरवाइज बेटा आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, एप्लीकेशन वे भी रिजेक्टेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड में बिल्कुल भी आरएमसी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा। और साथ ही साथ दो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और उसके पीछे साइन भी होंगे आपके। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो ना तो उसमें चेकलिस्ट भी होती है, तो जब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरा चेकलिस्ट को आप टिक भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेंसिल कि हाँ सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने डाल गए हैं या नहीं डाले हैं, ठीक है। अच्छा, अब खास बात यह है इसमें कि ये सारी चीज़ें कार्रवाई जो भी होगी आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो आपके रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएगा, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को जाएगा, आरएनसी को नहीं, आरएनसी को मत भेज देना अपने फॉर्म्स में बताया। रिस्पेक्ट इवन उत्तराखंड वाले बच्चे भी आरएनसी नहीं भेजते, वहाँ पर भी जो रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटी है अलग है, ठीक है। तो जो रिस्पेक्टिव स्टेट अथॉरिटी को जो फॉर्म जाएगा वो 15 अप्रैल से पहले पहले पहुँच जाना चाहिए। 15 अप्रैल इज द लास्ट डेट का मतलब नहीं है कि 15 को भेजूंगा मैं फॉर्म, 15 तक तो पहुँच जाना चाहिए। तो कम से कम 10 दिन पहले का आप बैकअप लेकर चलिए कि 10 दिन पहले तो मैं अपना फॉर्म सेंड कर दूंगा, ठीक है। काइंडली नोट दैट एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी सेंड टू द स्टेट गवर्नमेंट्स नॉट टू द आरएमसी, ठीक है। तो साफ साफ बोला है, अगर ऐसे पेरेंट्स ने बच्चों ने किया भी है, गलती हुई है पेरेंट्स से, ठीक है, इसलिए मैं भी बार बार इसमें जोर डाल रहा हूँ। अच्छा, उसके अलावा फिर कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन बाय स्टेट एथॉरिटीज, ठीक है, ये बेसिकली हमारे मतलब का नहीं, ये सारे अरेंजमेंट्स करेंगे स्टेट अथॉरिटी करेंगे सारे अरेंजमेंट्स एंड ऑल, ठीक है, क्योंकि एग्जाम स्टेट्स में होने वाला है, ठीक है। आंसर बुक इन रिस्पेक्ट, ये हमारे मतलब का कुछ नहीं है, ठीक है। इंटरव्यू एंड ऑल, ये तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, ये भी बेसिकली क्या इंटरव्यू में कौन कौन होना चाहिए, इंटरव्यू के पैनल में कौन कौन होना चाहिए, उसके बारे में बात हो रही है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ठीक है। जो इंटरव्यू का बोर्ड होगा, जो सिलेक्शन बोर्ड होगा, बेसिकली उसमें क्या कौन कौन होगा, एक तो चीफ सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट और इन द केस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सो डिजायर्स एनी अदर सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट हो सकता है, तो मतलब चीफ सेक्रेटरी या कोई भी और सेक्रेटरी हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट का। दो मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, ठीक है, वन ऑफ देम शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल के कम नीचे रैंक का नहीं होना चाहिए, लेफ्टिनेंट कर्नल के इक्विवेलेंट रैंक का होना चाहिए, आर्मी एयरफोर्स नेवी कुछ भी चलेगा, लेफ्टिनेंट कर्नल की इक्विवेलेंट रैंक, ठीक है, एयरफोर्स और नेवी में भी।
These officers will be detained as far as possible from the nearest military stations and all expenses of TAD and AP. ये तो चलो ठीक है, TAD मिलेगा, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। हाँ लेकिन याद रखना कि आपके जो इंटरव्यू पैनल में जो निर्णय होंगे उसमें से एक चीफ सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और दो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं, और साथ ही साथ एक स्टेट डायरेक्टर होंगे पब्लिक इंस्टीट्यूशन या डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन। ठीक है ओके, तो एक होंगे डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और जहां पर भी एप्लीकेबल रहेगा वहां पर एक मेंबर भी होंगे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के। ठीक है तो आप ये मान के चलिए कि देयर विल बी टोटल अराउंड 4 to 5 मेंबर्स विल बी देयर, दो तो मिलिट्री ऑफिसर्स ही है। ठीक है चलिए, और फिर अगर बोलते हैं कि आपका जो रिजल्ट है उसको हम आराम से भेज देंगे एंड ऑल, तो ये हमारे मतलब की बात नहीं। और फिर बात कर रहे हैं मेडिकल की, ठीक है तो इंटरव्यू में जाएगा उसके बाद मेडिकल बच्चों का होगा। ठीक है मेडिकल का भी जो पॉइंट है वो बाद में डिस्कस करना ज़्यादा सही रहेगा, अभी उतना कुछ है नहीं इसमें। इंटरव्यू के बाद मेडिकल बच्चों का होता ही है, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में होता है। ठीक है अगर बच्चा मेडिकल फिट होगा तो बच्चे का सिलेक्शन होगा, साफ साफ आपको पता ही है कि भैया फौज में तो मेडिकल जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कितने हाई होने चाहिए, क्योंकि आगे बिकॉज आरएमसी से फीड इंस्टीट्यूट ना, ये तो एनडीए में ही बच्चों को भेजेगा और बच्चे यहीं से आर्म फोर्सेस में जाएंगे, तो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते मेडिकल के साथ। ओके तो ये सारी चीज़ें हैं, और फाइनली वो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर रहा है तो वो मैं फिर से डिस्कस कर लूँ। हमारे जो डेट्स इंपॉर्टेंट हैं वो एक तो ये है 15th of April, ठीक है 15 April इज़ द लास्ट डेट फॉर एक्सेप्टेंस ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, और एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा 1st of June 2024, ठीक है और उस दिन क्या है सैटरडे। ठीक है तो यही सब दिया है बेसिकली इस नोटिफिकेशन में, दिस इज द ओनली थिंग्स विच आर गिवन इन द नोटिफिकेशन। आई होप कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, ऑलरेडी वैसे मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है फॉर्म को भरते वक्त, फॉर्म को मंगवाते वक्त, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर जरूर हमसे संपर्क करें, हम आपको जरूर असिस्ट करेंगे। और मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आरएमसी के ऑफलाइन लाइव बैचेस दोनों चल रहे हैं, इवन हम लोग ओलंपियाड बेस्ड मैथमेटिक्स भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अगेन नीचे दिए गए नंबर्स पे फोन करें, हमसे संपर्क करें। हॉस्टल फैसिलिटी स्कूल के साथ टाई अप सब कुछ हम लोग प्रोवाइड करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है, जो जो रिक्वायर्ड है बच्चे के एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए, तो आप जरूर हमसे संपर्क करें। और जो भी आपके डाउट्स हो, जो भी आपकी क्वेरीज हो, उनको हम जरूर एड्रेस करेंगे, उनको हम जरूर रिजॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो इन्फॉर्मेशन लगा होगा, और कमेंट करके जरूर बताना आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय, सी यू सून, जय हिंद।